पंजाब का जिंदा दिलाने लाहौर के लिए बड़ा इकदाम। मेट्रो बस सर्विस के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहाल करने का असूली फैसला। खराब बर की जीनों को फौरी मुरम्मत करवाया जाएगा। मेट्रो बस स्टेशन पर लाउड स्पीकर से मुसाफिरों को अपडेट रखा जाएगा। हमजा शहबाज शरीफ कहते हैं बहाली के कामों को कम से कम अरसे में मुकम्मल किया जाएगा। बहाली के कामों की क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। गंदम की किल्लत, चक्की आटे का बहरान सर उठाने लगा। लाहौर की आटा चक्की को गंदम की सप्लाई बुरी तरह मुतासर। 2200 रुपये फी मन वाली गंदम 2900 रुपये फी मन बिकने लगी। डीजल की कीमत में इजाफे से गंदम की कैरेज अखराजात भी 50% बढ़ गए। चक्की मालिकान ने आटे के दाम 200 रुपये फी किलो देने का इंदिया कर दिया। महंगे पेट्रोल के आफ्टर शॉक्स, घी और कुकिंग ऑयल की कीमत में मजीद इजाफा हो गया। दो रोज में 16 किलो घी के पैक में 150 रुपए का इजाफा। 500 रुपए वाला घी 510 रुपए फी किलो हो गया। दर्जा दोम के घी की कीमत 495 रुपए से बढ़कर 500। महंगाई के तनासुब से तनख्वाहें भी बढ़ाओ। पाकिस्तान रेलवे सुप्रीम यूनियन के जरिए अहतमाम एहतजाजी मुजाहिरा। रेलवे यूनियन के वर्कर्स और रहनुमाओं की कसीर तादाद में शिरकत। शुरका की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा। महंगाई का तूफान, मुनाफा खोर बेलगाम। कीमत ऐप के जरिए सरकारी नरखों पर अमल ना हो सका। सस्ती अशिया की अदम फ्राहमी पर 3000 शहरों की शिकायत। पंजाब कीमत ऐप मुकम्मल गैरफाल। इंतजामिया टाल मटोल से काम लेने लगी। डीसी लाहौर कहते हैं शहरों को जल्द कीमत ऐप के जरिए रिलीफ दिया जाएगा। 10 किलो आटे का थैला 490 रुपए में फरोख करवाया जा रहा है। पेट्रोल की कीमत में इजाफा दिल पर पत्थर रखकर किया। गरीब के पास एक वक्त की रोटी और इलाज के पैसे नहीं हैं। महंगाई आसमान से बातें कर रही है। बेरोजगारी अरूज पर है। गरीब आवाम को 28 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज दिया। कारोबार और नौकरियां भी नहीं हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। सोलह अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम, वजीर आज़म और वजीर आला पंजाब FIA सेंट्रल अदालत पेश। बतौर वजीर आला सफरी खराजात जेब से लगाए, अवाम की खिदमत की, बगैर तनख्वाह काम करने वाले शख्स पर करप्शन के इल्ज़ाम बेमायनी हैं। शेरे पर टैक्स लगाया जिस पर मेरे ख़ानदान को 2 अरब रुपये का नुकसान हुआ। शहबाज शरीफ का अदालत में बयान। सुलेमान शहबाज के वारंट गिरफ्तारी की रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी गई। ताहिर नकवी और मलिक मकसूद के वारंट गिरफ्तारी की तामील ना हो सकी। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का मामला। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुबैर न्यासी की अबूरी जमानत 11 जून तक मंजूर। अदालत ने पुलिस को जुबैर न्यासी की गिरफ्तारी से रोक दिया। बेकसूर हूँ, कानून के बरअक्स मुकदमा दर्ज किया गया। शाम ने तफ्तीश होकर पुलिस को हकायक से आगाह करना चाहता हूँ। जुबैर न्यासी का दरख्वास्त में मौकिफ। नए आने वालों को पुराने वर्कर्स पर तरजीह नहीं देंगे। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने वाज़ेह कर दिया। क़यादत के लिए लाठियां खाने वाले कारकुन काबिले तहसीन हैं। डी सीट होने वालों ने इमरान खान को किसी वजह से छोड़ा। इमरान खान को वक्त और कौम मुआफ़ नहीं करेगी। ऐवान वज़ीर आला में यौम तकरीब की तकरीब। पार्टी रहनुमा और कारकुनों की कसीर तादाद में शिरकत। गाड़ियों की बायोमेट्रिक सिस्टम के नफाज की मुअत्तली का मामला। 2 माह से जायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद समरी पर फैसला ना हो सका। महकमा एक्साइज ने बायोमेट्रिक सिस्टम की आर्जी मुअत्तली की समरी भिजवाई थी। हुकूमत की तब्दीली के बाद अभी तक समरी पर फैसला ना हो सका। हजारों व्हीकल्स के ट्रांसफर केस ताखीर का शिकार हो गए। शहर में पानी की किल्लत दूर करने का मंसूबा मुश्किलात का शिकार। नए ट्यूबवेल्स की तंसीब में वासा को बड़ी रुकावट का सामना। PHA ने वासा को 8 नए ट्यूबवेल्स की तंसीब से रोक दिया। UC 87 में ट्यूबवेल की तंसीब के लिए NOC जारी ना हुआ। रुस्तम पार्क, ढोंगी ग्राउंड, समनाबाद में भी ट्यूबवेल ना लग सके। वासा हुकाम कहते हैं NOC के हसूल के लिए PHA इंतजामिया से रबते में है। NOC ना मिलने पर मुतबादल जगह पर ट्यूबवेल्स लगाए जाएंगे।
पंजाब हुकूमत का शेरांवाला सगियां शाहकार मंसूबे जल्द मुकम्मल करने का फैसला। शहर में जारी तरक्याती कामों की रफ्तार मजीद तेज की जाएगी। रिहायशी इलाकों में कमर्शियल सरगर्मियों को फौरी रोका जाएगा। मशीर वज़ीर आला पंजाब ख्वाजा अहमद हसन की ज़ेर सदारत इजलास। DGLDA की तरक्याती मंसूबों बारे ब्रीफिंग। लोड शेडिंग का बेकाबू, जिन बोतल से बंद ना हो सका। बिजली का शॉर्टफॉल 900 मेगावाट से तजावुज़ कर गया। मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 5 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग। दही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 7 घंटे से ज़ायद हो गया। आलम इस्लाम की पहली एटमी ताकत बनने के 24 साल मुकम्मल। मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने वालों को सलाम। पूरी कौम आज योम तकबीर मना रही है। पाकिस्तान ने भारत के जवाब में 28 मई 1998 को चागी के पहाड़ों में एटमी धमाके किए। यौम तकबीर कौमी उमंगों का तर्जमान। मिली यकजहती का तारीख सास दिन है। मजबूत दिफा के लिए पाकिस्तान को इक्तसादी लिहाज से मजबूत बनाना है। मुल्क की सालमियत, खुद मुख्तारी, दिफा पर कोई आंच नहीं आने देंगे। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज की यौम तकबीर पर कौम को। हफ्ते के आखिरी रोज सराफा बाजार भी में बेहतरी। सोने की फी तोला कीमत 1400 रुपए कम हो गई। 24 कैरेट सोना 1,38,900 रुपए मुकर्रर। चांदी के दाम 1,570 रुपए फी तोला की सतह पर बरकरार। गैर नमूना नंबर प्लेट्स के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का एक्शन जारी। काले शीशे लगाने पर 2500 रुपये जुर्माना आयद। गैर नमूना नंबर प्लेट्स लगाने पर 17,808 चलान किए गए। CTO लाहौर कहते हैं जाली और वासे नंबर ना होने पर कोई अजर कबूल नहीं होगा। महकमे स्पेशल एजुकेशन में भी ई ट्रांसफर पॉलिसी नाफिज। सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन राय मंजूर नासिर ने मंजूरी दे दी। महकमा स्पेशल एजुकेशन में असातिज़ा समेत 9,000 मुलाज़मीन फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का जनरल इलेक्शन की तैयारियों का सिलसिला जारी। वोट के अंदराज और मुंतकली के लिए डिस्प्ले सेंटर्स कायम। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन लाहौर ने 900 सेंटर्स कायम कर दिए। डिस्प्ले सेंटर 19 जून तक शहरियों के लिए खुले रहेंगे। ट्रेनों का शेड्यूल मामूल पर ना आया। कराची और कोयटा से लाहौर आने वाले मुतअद्दी ट्रेनें ताखीर का शिकार। कराची एक्सप्रेस और इलाहाबाद इकबाल एक्सप्रेस ट्रेन 3 घंटे से ज़ायद लेट। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। और तम्बाकू नोशी सेहत के लिए मुज़रे सेहत। लाहौर हाईकोर्ट के दफातर में सिगरेट नोशी पर पाबंदी आयद कर दी गई। हाईकोर्ट के तमाम दफातर और ब्रांचेस इंचार्ज को सर्कल जारी कर दिया गया।